सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप जो हैं किसी का भी लास्ट सीन कैसे हाइड कर सकते हैं और ब्लू टिक यानी कि व्हाट्सएप पर जो है ब्लू टिक लग जाता है उसको कैसे हाइड कर सकते हैं। यानी कि आपका कोई मैसेज, किसी का भी मैसेज आप देखो और उसको जो है ब्लू टिक ना शो हो। ओके, तो इसके लिए जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताऊँ वैसे आप लोग कीजिए। ओके, और इस ऐप का नाम हैगा ब्लू टिक। ओके, तो ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको हाइड करना है, लिखना हैगा हाइड ब्लू टिक। ओके, तो यहाँ पर पहले नंबर पे मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो ईज़िली। ओके, और इस ऐप के और भी काफ़ी फ़ायदे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप इस ऐप से क्या क्या और कर सकते हो। ओके, तो जो है यहाँ पर हमारा ये ऐप है, हम इसको कर लेते हैं यहाँ से ओपन। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने फ़ोटो भी इसमें हाइड कर सकते हैं, किसी भी ऐप पर लॉक लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना लास्ट सीन कैसे हाइड कर सकते हो, यानी कि ब्लू टिक शो नहीं करेगा। हाँ, आप भेजोगे तो वो जो है ब्लू टिक लग जाएगा, लेकिन उधर से कोई मैसेज आएगा आप रीड कर लोगे और वो जो है सामने वाले बंदे को नहीं दिखेगा कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया। ओके, तो यहाँ पर जो है हम आपको व्हाट्सएप में ले चलते हैं। आपको बस केवल अलाउ परमिशन देनी है। अलाउ परमिशन देने के बाद ये सारी अपने आप जो है व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा, आपको इसमें व्हाट्सएप आईडी बनानी नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है हम अपना जैसे कि कॉन्टैक्ट खोल लेते हैं। किस तरह से जो है इसमें अलग तरह से हम जो है यहाँ पर इसमें ये सेटिंग करेंगे और जो है हमारा लास्ट टिक जो है हाइड हो जाएगा। यहाँ पर अभी गाइस थोड़ी लोडिंग चल रही है तो वेट कर लीजिए, मेरा थोड़ा नेट स्लो है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा ये जो है लोडिंग हो रही है, क्योंकि आप पहली बार इसे ओपन करो तो यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत देर तक लोडिंग होती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर जो है हम अपने व्हाट्सएप में आ जाते हैं और व्हाट्सएप में आने के बाद यहाँ पर हम आपको जैसे एक मैसेज करते हैं, ये दोनों आईडी मेरी ही है। ओके, आपको बताने के लिए मैंने डबल व्हाट्सएप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर जैसे कि एक मैसेज भेजा और मैसेज भेजने के बाद अब हम जो है दूसरी आईडी पर अपनी व्हाट्सएप की देखते हैं कि जो मैसेज भेजा था वो जो है डबल टिक ब्लू टिक शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने अपना व्हाट्सएप जो भी है उसी तरह से यहाँ पर हम इसको सेंड कर दिया, और सेंड करने के बाद जो है अब हम अपने दूसरे व्हाट्सएप में जाते हैं और यहाँ पर जो है आपको पहले दिखा देते हैं कि यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये दूसरा नंबर है, इस नंबर पे आपको दिखा देते हैं कि आपको मैसेज यहाँ पर शो होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है थोड़ी अभी लोडिंग होगी कि मैसेज आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको गाइस आगे बताते हैं आपको इसमें क्या करना है कि आपको ब्लू टिक हाइड हो जाए। ओके, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोग थोड़ा देखते रहिए। यहाँ पर जो है हमने अपने व्हाट्सएप जो है दूसरा ओपन कर लिया और यहाँ पर देखते हैं हम अपने व्हाट्सएप में जाके कि यहाँ पर ब्लू टिक शो हुआ। यहाँ पर ये देखिए हमें मैसेज आ गया और इस मैसेज को हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर देखते हैं, फिर वापस हम उसी ऐप में दोबारा जाएंगे दूसरे वाले व्हाट्सएप में। यहाँ पर जो है हमें मैसेज आ गया है लेकिन यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिखा रहा, ना ही ब्लू टिक शो हो रहा। ओके, तो अब जो है हम दूसरे व्हाट्सएप में यहाँ पर जाते हैं जहाँ से हमने मैसेज भेजा था, और वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लू टिक शो हुआ है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम अपने व्हाट्सएप में आ गए हैं और आने के बाद जो है यहाँ पर देखिए ये फिर से वही वाला चालू हो गया। चलो गाइस दूसरा वाला आपको दिखा देते हैं ओपन करके। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक, और बैक जाने के बाद जो है हमने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप बिजनेस ओपन कर लिया, और व्हाट्सएप बिजनेस ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए केवल हमने जो मैसेज भेजा था वो केवल टिक लगाए, डबल टिक लगाए, ब्लू टिक यहाँ पर शो नहीं हुआ, यानी कि इस मैसेज को जो है किसी ने अभी तक रीड नहीं किया। ओके, तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से यहाँ पर अपना कोई भी मैसेज भेजो, उसको देख लो, पढ़ लो, या फिर आपको कोई भेजे तो जो है यहाँ पर बिल्कुल शो नहीं करेगा। ओके, ये एकदम जेन्युइन ऐप है, इसको एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। ओके, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम भी मिल जाता है, फेसबुक, ट्विटर, काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। बस इसमें आपको केवल आईडी, इसमें आपको लॉगिन होना है और जो आपके में अकाउंट होगा वो यहाँ पर अपने आप शो कर जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो है आप अपना कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को डायरेक्टली वो भी भेज सकते हो। और अब हम आपको जैसे यहाँ पर बताते हैं कि आप अपना कोई भी फ़ोटो हो उसको कैसे हाइड कर पाओगे,
एक ही ऐप में आपको मिल जाती हैं, तीन सेटिंगों के ऐप लॉक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम गाइस यहाँ पर फ़ोटो वाले में जाते हैं, यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मीडिया या फिर फ़ोटो नाम से शो होगा, ओके। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी फ़ोटो सेलेक्ट करना है वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और जो है आपका फ़ोटो ऐड हो गया है, ओके। तो यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाती है, वीडियो ऐड करनी है वीडियो ऐड कर सकते हैं, ओके। अब इस फ़ोटो को आपको वापस करना आएगा, यानी कि जहाँ पर था वही फ़ोटो चला जाए, तो उसको ऊपर आप टाइप कीजिए, टिक लगा दीजिए, और टिक लगाने के बाद आप इसके ऊपर यहाँ पर नीचे की साइड में आपको ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, आपने जो भी फ़ोटो ऐड या फिर फ़ोटो वीडियो जो भी ऐड की थी वो ऐड जाएगी, ओके। और यहाँ पर थर्ड नंबर पर आपको मिल जाएगा ऐप लॉक का ऑप्शन, यहाँ पर आपको पहले जब आओगे तो आपको अलाउ परमिशन देनी होगी, ओके। तो आप यहाँ पर जो भी अलाउ परमिशन मांगे वो यहाँ पर दे दो, और अलाउ परमिशन देने के बाद जो है आप यहाँ पर बड़ी आसानी से ऐप लॉक लगा पाओगे, ओके। जो भी आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो या फिर पैटर्न लॉक, जो भी आपकी मर्ज़ी हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो भी लॉक लगाना चाहो वो यहाँ पर लॉक लगा पाओगे बड़ी आसानी से एकदम बिल्कुल, ओके। तो यहाँ पर जो है आपको हम जैसे लगा कर दिखा देते कि लॉक यहाँ पर कैसे लगने हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको केवल अलाउ परमिशन देने के बाद सिर्फ आपको लॉक पर क्लिक करना है, और लॉक पर क्लिक करने के बाद जो है गैस आपका यहाँ पर लॉक बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लग जाएगा, ओके। जितने भी ऐप आपके पास लॉक हैं वहाँ आपको लग जाएंगे, आपको कोई भी अदर ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। इस ऐप में आपको तीन फंक्शन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ये, ओके। तो इसमें एक और सेटिंग के बारे में बता दें, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में फिंगरप्रिंट और पैटर्न मिल जाएगा, जो आप लगाना चाहो वो लगा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है अब हम गाइस यहाँ से वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट मिल जाता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पर केवल नंबर एंटर करो और जो भी मैसेज भेजना है वो मैसेज भेज दो, आपको नंबर सेव करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ से आप बड़ी आसानी से किसी को भी मैसेज भेज पाओगे, ओके। जैसे किसी का नंबर सेफ है नहीं है सेफ, फिर भी यहाँ पर आपको सिर्फ नंबर एंटर करना है, और नंबर एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर आप किसी को भी नंबर अपना जो भी आपको मैसेज भेजना है वो यहाँ पर मैसेज भेज पाओगे, ओके। तो ये वीडियो कैसी लगी है और इस ऐप को यूज़ कीजिए, इस ऐप को यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा रह सकता है। आप अपना लास्ट सीन हाइड करना चाहते हो, ऐप लॉक छुपाना चाहते हो, उस पर लॉक लगाना चाहते हो, या फिर आप जो है अपने फ़ोटो वीडियो स्टेटस अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट हाइड करना चाहते हो, वो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो आप हाइड कर सकते हो यहाँ पर, ओके। तो इस ऐप में काफ़ी सारी आपको फंक्शन मिल जाते हैं अलग अलग, ज़्यादा MB का भी नहीं, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ओके। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी प्रॉब्लम आए इस ऐप्स के बारे में या फिर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर या फिर आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके। और या फिर उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक वीडियो मिलती रहेंगी आपको असलम क्रिएटर चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।